मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन जिसकी बर्फीली वादियों में हर कोई अपनी जिंदगी का कुछ पल जरूर बिताना चाहता है और उन प्यारे पलों का एक एहसास लेने के लिए आइए घूमते हैं मनाली। दिल्ली से मनाली जाने के लिए बस मेरी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे आपको आरके आश्रम या फिर मजनू का टीला या फिर आपको जो बस स्टैंड है कश्मीरी गेट वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी मनाली के लिए। जो आपको मिलेगी कश्मीरी गेट से वहाँ से ज़्यादातर सरकारी बसेस जाएंगी, बट यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगी प्राइवेट बसेस मजनू का टीला और आरके आश्रम से। जो फेयर होगा वो अराउंड आपका 1000 से लेकर 1800 या 2000 रुपये तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कब कैसा सीज़न है, और लगभग 14 घंटे तक पहुँचने में आपको लग सकते हैं। शाम को 5:30 बजे से रात को लगभग 11 बजे तक यहाँ से बस जाती रहती है। हालांकि बुकिंग आपको थोड़ा पहले से ऑनलाइन आप कर लेंगे आपको मिल जाएगी या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। मनाली जाने की मेरी यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली से, जो कि दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और पहुंचने में 13 से 16 घंटे तक लग सकते हैं। मैंने मनाली का इस बार पैकेज लिया था जिसकी डिटेल मैं वीडियो में आगे दूंगा। सुबह लगभग 9 बजे मैं मनाली पहुंच गया और बस आपको प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी, जहां से मनाली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मनाली में होटल के रूम की बात करें तो आइए मेरे रूम में। ये है मेरा रूम और ये पूरा आप देख रहे होंगे बेडरूम है और ये यहां पे टॉयलेट है आगे में ही। और एयर कंडीशन रूम आपको मनाली में तो नहीं मिलेगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल एसी यहाँ पे है और सोफ़ा वगैरह है। रूम में काफ़ी स्पेस है और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ये बना हुआ जो है रूम वो प्रॉपर जो लकड़ी का है वैसा बना हुआ है, थोड़ा कॉटेज टाइप का लुक लगेगा हालाँकि ऐसा नहीं है। और सबसे जो अमेजिंग है वो है यहाँ से व्यूज़, देख रहे होंगे पूरा यहाँ से व्यू दिख रहा है, इधर वैली दिख रही है और मज़ा आएगा, ऊपर बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। होटल की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। होटल आप कन्याल रोड, ओल्ड मनाली या मेन मॉल रोड पर ले सकते हैं। मॉल रोड पर होटल काफ़ी महंगे 1500 से 3000 तक होते हैं और पीक सीजन में और भी ज़्यादा, जबकि बाकी प्लेसेस पर आपको होटल सस्ते में मिल जाएंगे जो कि 700 से 1500 तक हो सकते हैं, लेकिन मनाली से 2 से 4 किलोमीटर तक दूर मिलेंगे, इसलिए बाइक हायर करना प्रेफर करें। होटल के ठीक पास में ही एप्पल के बगान भी थे जिसमें एप्पल जून जुलाई और अगस्त के मौसम में दिखते हैं। यहाँ पे जो मेरा होटल रूम है उसी रास्ते में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है फेमस कंगना रनौत उनका घर भी है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। घर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं अलाउ है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, बट यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो ग्रे कलर का आपको बंगलो दिख रहा है वो है और काफ़ी प्यारा सा है, छोटा सा है। जाते जाते ही ऐसे ही पता चला, लोकल्स से पूछा तो पता चल गया और अच्छा लग रहा है देख कर, किसी सेलिब्रिटी का घर देखने में अच्छा ही लगता है। अगले दिन की सुबह मैंने बाइक हायर की। बाइक या स्कूटी डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपको 500 से 1500 रुपए तक में मिल जाएगी, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मनाली में कई बार आ चुका हूँ और हर बार की तरह मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की हिडिंबा देवी टेम्पल से।
हिडिंबा देवी टेंपल बहुत ही प्यारी लोकेशन पर है और लोकल्स के बीच इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। जनवरी के टाइम में यहाँ बर्फ गिरती है तो ये टेंपल और भी खूबसूरत लगता है। मेन मनाली से हिडिंबा देवी टेंपल केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हिडिंबा देवी या यहाँ के साइट सीन के लिए आप सुबह 7 बजे तक ही निकल जाएं, क्योंकि बाद में ट्रैफिक बहुत होता है। कितना चार्ज लगता है? 50 रुपीज लेते हैं। 50 रुपीज? अच्छा, फोटो कितनी भी फोटो खींच सकते हैं? अभी चल रहा है। कितना भी फोटो? कम दाम तो कल से आई आज नहीं अच्छा। दिन आई नहीं थी। एसपीजी थे कितने की? अच्छा, ये रैबिट आपको खुद का है? खरीद के लाया अभी। 3000 का। 3000 का? 3000 कहाँ से लाया? इसका नाम, इसका कुछ नाम रखा है? चिंकू। चिंकू, चिंकू, ऐसा सब तक दे दो। हिडिंबा देवी टेंपल से मैं वापस आया होटल और अपना ब्रेकफास्ट किया। कहीं भी अगर आप घूमने जा रहे हैं तो सुबह सुबह अपनी पेट पूजा करके ही जाएं, मतलब अपना पेट पूरा फुल करके जाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपको दिन भर चलाती है। और वैसे तो मैं सरल वगैरह खाता हूँ, लेकिन जब होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो तो ये फ्लूटो हॉलीडेज़ की कृपा है कि बढ़िया होटल मिला है और बढ़िया सा यहाँ पर खाना भी मिल रहा है और सिंपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जब होती हैं तो आप सब चीज़ खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं तो सब चीज़ ज़रा ज़रा ले लेंगे तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है वैसे भी पहाड़ों पे। तो यहाँ पे पूरी है, भाजी है, सैंडविच है, चाय है और इतना ही मैंने लिया है और जल्दी से मैं इसे खाऊँगा, क्योंकि आज प्लेसेस कई सारी कवर करनी है और मज़ा भी आएगा क्योंकि मौसम बहुत ही शानदार है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकला मनाली के फेमस मॉल रोड के लिए, जहां पर वॉक करने का ही अपना मजा है और फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ यहां काफी अच्छा टाइम एंजॉय करते हुए स्पेंड किया जा सकता है। साथ ही यहाँ बैठ के हर तरह के फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें प्योर वेज से लेकर नॉनवेज फूड्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पर मॉल रोड पर आपको फूड्स थोड़े महंगे पड़ेंगे। मनाली में अगर आप मॉल रोड पे खाना पीना करते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप अगर गलियों में आते हैं जो मॉल रोड के पीछे है तो वहाँ कई छोटे ढाबे भी मिलेंगे और इस तरह के फूड शॉप्स भी मिलेंगे जहाँ पर आप खा सकते हैं और प्राइस भी जेन्यून आपको मिलेगी और क्वांटिटी भी मिलेगी। अगर आप बाहर की साइड जो मेन मॉल रोड है वहाँ पर खाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान दें और इससे आप काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं। यहाँ शॉपिंग भी की जा सकती है और शॉपिंग के लिए यहाँ पर भी सस्ते और महंगे दोनों तरह के मार्केट के ऑप्शन हैं। मॉल रोड की गलियों में आपको सस्ते कपड़ों की कई शॉप्स मिल जाएंगी। मेरे नेफ्यू ने अपने लिए मंगाया था सनग्लासेस, तो मैं ले रहा हूँ ये, और ऐसे कई सारे हैं यहाँ पे, आप भी ले सकते हैं मनाली में शॉपिंग के लिए। कितने का है? 100 रुपीज़ का है, पर आप बार्गेनिंग करा ले आपको मिल जाएगा कम में। मेरे को नहीं होगा, मेरे को भी हो गया। नेफ्यू तो 6-7 साल का है, मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ। मॉल रोड पर ही हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस भी है, जहाँ आप हिमाचल प्रदेश की और भी टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी ले सकते हैं और होटल, बसेस, साइट सीन भी बुक कर सकते हैं। मॉल रोड पर ही HPTDC का ऑफिस है और वहाँ से मैंने ये कैटलॉग पूरा उठाया है, टैरिफ है जिसमें अलग अलग जगह की पूरी प्राइस जो है वो सबकी डिटेल्स है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ और PDF इसका रहेगा, जिसमें आप पूरे इन्फॉर्मेशन पूरे रेट्स वगैरह के साथ जान सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं।
और मैप भी है इसमें, तो काफ़ी आपके लिए ये यूज़फुल होगी ये टैरिफ। अगर आप कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो किसी भी प्लेस की आइटनरी, बजट, वीज़ा, टिकट्स या पैकेज बनवाने या किसी भी तरह की ट्रैवलिंग से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप 99 रुपीज़ में हमसे ये सर्विस ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। साथ ही मॉल रोड पर आपको ATM, मेडिकल शॉप्स, डॉक्टर्स, ग्रॉसरी शॉप्स, वाइन एंड बियर शॉप्स, ट्रैवल एजेंट्स और कुछ जगहों के टूर के परमिट के लिए SDM ऑफिस भी यही मिलेगा। कितने का? हिमाचल में अगर आप केला लेते हैं तो एक दर्जन के लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 70 रुपए, हम लोग की तरफ चलता है लगभग 40 से 50 या 30 में भी मिल जाता है। और सेब यहाँ पे चूँकि होता है फिर भी 80 रुपए किलो यहाँ पे मिल रहा है, आलू 30 रुपए किलो जनरल रेट है हर जगह मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी। मॉल रोड पर ही HRTC का बस स्टैंड भी है जहाँ से लेह, शिमला, दिल्ली और कई जगहों की बसेस जाती है। आज जब मैं होटल आया तो एक अलग ही चीज देखने को मिली। वैसे ये अरेंजमेंट मेरे नहीं, मेरे बगल वाले रूम में रहने वालों के लिए था। कैसा लग रहा है आप लोग को? रियली अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखने में सरप्राइजिंग है बिल्कुल हम लोगों के लिए। आपके लिए? बिल्कुल, हम दोनों के लिए यार, ऑब्वियस सी बात है। प्लस में जो सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह, मतलब यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। हम लोग तो घूम के आ रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें थोड़ा सा मतलब उलझाए रखें किसी की चाय कॉफ़ी पिला के, और ऊपर मैम भी हमारी काफ़ी इरिटेट हो रही थी कितने देर तक मतलब सफाई हो रही है कमरे में। सही बात है। और उसके बाद फिर सरप्राइजिंगली जब हम यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मतलब इतना मतलब खूबसूरत डिज़ाइन और ये सारे डेकोरेशंस और ये सारी चीज़ें, रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फ्लूटो हॉलीडे, थैंक यू सो मच। तो आप सभी देख रहे होंगे खुशी का ठिकाना नहीं है, और सरप्राइज इतना अच्छा होगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। फ्लूटो हॉलीडेज़ ने पैकेज बुक किया था, मेरा भी बुक किया है, बट मेरे रूम के बगल में ही थे तो उन्होंने बोला कि हमारा हनीमून पैकेज भी देखिए। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया और बहुत ही अमेजिंग सर्विस रही है, और घूमने फिरने में आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके आप भी बुकिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस हनीमून पैकेज में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर भी इंक्लूड होता है। तो पूजा जी कैसा लग रहा है आपको? मिर्ची आप ले हो? एक बार मैं खा के दिखा दूँ, एक बार मैं खाओ, खा के दिखा दूँ। अरे दिखा कुछ क्या होगा, ये नहीं चलेगा मुंह में दबा के, वो तो कोई भी कर सकता है। वैसे जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ उस हिसाब से तो वैसे भी पेट खराब होगा। मनाली की ट्रिप के लिए मैं कितनी बार मनाली गया हूँ तो हर बार अपने से ही कहीं ना कहीं जाके जो जो बुकिंग्स होती थी अपना होटल बुक करा लिया, अपना सेपरेटली सब करा लेता था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने पैकेज लिया, और फर्स्ट टाइम मैं पैकेज लेके देख रहा हूँ तो काफ़ी इसमें मुझे बेनिफिट मिल गया। एक्चुअली मैंने संजीव जी से कॉन्टैक्ट किया, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, दिल्ली में जब रहता था तब मिला था। तो हुआ क्या, इन्होंने बताया कि अच्छी डील ये दे सकते हैं, तो 5,800 में इन्होंने मुझे मनाली की 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज दिया। अब इसमें इन्होंने मुझे वहाँ वॉल्वो से वहाँ तक मैं पहुँचा, मनाली तक, दिल्ली से मनाली और वापस भी आया, वो इंक्लूड था।
साथ में वहाँ पे होटल भी दिया, होटल आपने कौन सा दिया था? होटल मैंने आपको दिया था मनाली रोज़ मार्केट, अलग अलग मुझे होटल भी दे दिए थे और साथ ही वहाँ पे साइट सीन वगैरह भी जो लोकल्स होते हैं वो कराया और बाकी ब्रेकफास्ट डिनर मौसम था तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली संजीव जी की कृपा से, बढ़िया हो गया। और अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। और कपल वगैरह आप हैं तो कपल के लिए तो इन्होंने बड़ा बढ़िया पैकेज बना रखा है, 13,500 रुपये, जिसमें ये कैंडल लाइट डिनर भी दे देते हैं, केक दे देते हैं, और क्या देते हैं, बादाम मिल्क भी देते हैं। आप सोच सकते हैं बादाम मिल्क क्यों देते हैं? डेकोरेशन वगैरह भी तो मैंने वीडियो में दिखाया, डेकोरेशन वगैरह भी देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लाइव डांसिंग भी है तो आप सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। और जिसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर वॉल्वो से ही अगर आप जाते हैं दिल्ली से मनाली तक अगर सेपरेट बुकिंग कराते हो तो आई थिंक बस का वॉल्वो चार्ज ये 1700-1800 मतलब कि मिनिमम बचा के भी आप चलेंगे तो 6,000-7,000 रुपये कपल के खर्च हो जाएंगे। डिफरेंट है, पुश बैक होता है, अरेस्ट होता है, हाँ कि पुश बैक के अंदर बंदा टायर्ड नहीं होता, बिल्कुल नीचे स्टाइल है, बिल्कुल। मैं भी गया था तो हाँ बढ़िया लग्जरी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप एटलीस्ट एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, हो सकता है आपको अच्छी डील मिल जाए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप भी एक बार सर्विस लेके देख सकते हैं। अगले दिन मैं मनाली से लगभग 2 किलोमीटर दूर क्लब हाउस में पहुंचा। क्लब हाउस के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी, 25 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 10 रुपीज़ चाइल्ड के लिए। क्लब हाउस में यूँ तो कई एक्टिविटीज़ होती है लेकिन रिवर क्रॉसिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है जिसके 100 से 150 रुपये तक लगते हैं। साथ ही आप यहाँ पर कुछ गेम्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। पर सबसे खास जो मुझे यहाँ लगा वो थी यहाँ की क्राफ्ट गैलरी। क्लब हाउस में जो सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस मुझे लगी वो है यहाँ की क्राफ्ट गैलरी। अभी मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ ताकि ये आप तक देखें। ये पूरा हिमाचली लुक, हिमाचली लुक पूरा जो होता है ना वो यहाँ पे है। और यहाँ पे इस तरह के कपड़े और यहाँ की जो लोकल आर्ट है, क्राफ्ट है, वो आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही आपको छोटे छोटे यहाँ पे स्टैचू दिखेंगे और साथ में आप थोड़ा सा अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बैग्स वगैरह दिखेंगे जो कि जूट के हैं, प्रॉपर बने हुए। और ये पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं और जो रेंज है यहाँ पे 300-400 रुपये है और अगर रेट्स देखे जाए बहुत ही वाजिब है। अब इसके अलावा इधर आएंगे तो आप ये देखेंगे कुर्ती वगैरह है, इस पर जो कहते हैं पिच वर्क वगैरह हुआ है और ऐसे बहुत है यहाँ पे। ये चंबा सिल्क साड़ी है और हिमाचली टिशू लिनन साड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ बाय भी कर रहे हैं। कैसा आप लोग को यहाँ पे लग रहा है? कुछ अलग यहाँ पे देखने को, तभी आप यहाँ पे हैं, डिफरेंट है बिल्कुल। तो थोड़ा सा अंदर और जब मैं आया तो यहाँ पर मैट देखने को मिल रही है जिसको हमारी तरफ गलीचा बोला जाता है और इसकी आर्ट आप देखेंगे ये हाथ से टोटली बना हुआ है, इस पर कारीगरी उभर के आ रही है पूरी तरह से। बहुत सारा है यहाँ पर और हर प्राइस में, आप प्राइस यहाँ देख सकते हैं 240 रुपीज़ में है। और ये सब गिफ्ट्स वगैरह भी आप चाहे तो कर सकते हैं। साथ ही ये आप देखेंगे यहाँ पे जूट के झूला है जो मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब जो रेट भी इसका देखेंगे तो 1120 रुपये है जिसमें 20% डिस्काउंट भी है, तो मतलब रेट्स बहुत अच्छे हैं। और तो और यहाँ पे जैकेट्स आपको मिलेंगे और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको टॉयज़ वगैरह मिलेंगे और बच्चों के लिए भी मतलब आप कुछ ना कुछ ले जा सकते हैं। और तो और यहाँ पे जो विंटर कैप, स्वेटर और टोपी वगैरह, मतलब सभी चीज़ें हैं, ग्लव्स वगैरह हैं। और ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे मीनाकारी, जो क्या बोलते हैं इसको, ये मेटल बैंगल्स हैं, मेटल बैंगल्स हैंडमेड, हाथ का ये भी बना हुआ, बाकी मीनाकारी बैंगल्स हैं, ये सब हैंडमेड बना हुआ। आप इसको देखेंगे क्लोजली आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हाथ की कारीगरी है सबसे खास। बाकी एक और चीज है मैम हमारे पास, जूट ज्वेलरी, ये सब हैंडमेड बना हुआ जूट से, देखिए जूट का बना हुआ है सब बिल्कुल। तो यहाँ पे अब देखेंगे इधर पीछे आप चप्पलें वगैरह भी मिल जाएंगी, सैंडल्स वगैरह भी हैं। और जो हिमाचल का जो आपको कल्चर, जो लुक, जो यहाँ के लोकल लोग पहनते हैं
वैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं मनाली में तो क्लब हाउस में ज़रूर आए, क्योंकि आप माल रोड वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बाहर की ही चीज़ें आई हुई होती हैं, लेकिन ये यहाँ की जो विलेज की वुमेंस होती हैं, औरतें होती हैं, वो इसको बनाती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट करें आप, और कुछ ना कुछ अपने घर वालों के लिए ले जाएं, गिफ्ट्स के लिए ले जाएं, या फिर अपने लिए ले जाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसमें मुझे देखने में काफ़ी क्वालिटी दिखी है। तो आप भी ज़रूर आएं एक बार। क्राफ्ट गैलरी में यहाँ पे शॉपिंग सारी हो चुकी है, और मैंने, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, तो सबसे ज़रूरी चीज़ बैग जो है वो मैंने लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी और पहले वाले ख़राब हो गए थे। मम्मी के लिए शॉल लिया है, और ये जैकेट एक लिया है, और ये भी एक जैकेट लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें ली हैं और शॉपिंग यहाँ पे हो गई है, मज़ा आया काफ़ी। प्राइस क्या पे किया? प्राइस इतने के लिए लगभग 4000 से कम ही किया है, तो आप भी आ सकते हैं और ले सकते हैं। क्लब हाउस में इसके अलावा भी खाने पीने की दुकानें और कई शॉप्स हैं। मनाली के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जोगनी वाटरफॉल, नेचर पार्क और कई सारी प्लेसेस यूजफुल टिप्स के साथ दिखाऊंगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।